हेलो एवरीवन। तो कल हम कर रहे थे एफएसएम रोल्स, फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन रोल्स। तो क्या हुआ था? तो अभी हम देखते हैं हमारा रोल कहाँ कहाँ पे है। अच्छा, तो रोल देखने के लिए मैंने आपको एक कमांड बताई थी, आप उससे भी देख सकते हो जीयूआई में जाके, पर आप एक कमांड से भी देख सकते हो। तो उसके लिए कोई बताएगा कमांड? ओमपाल क्या कमांड थी? चलिए एफएसएम रोल्स देखने के लिए। अमित क्या कमांड थी? जिसने प्रैक्टिकल करा होगा उसको याद रही होगी। कोई बता सकता है क्या कमाल थी? ठीक है, किसी को नहीं पता। अब अगर कोई नेट पे देख के बता दे वो अलग है। हाँ, मैं टॉम क्वेरी ऐसा करूंगा। नेट डॉम क्वेरी एफ एस एम ओ। देखो ये बता रहा है, तो इसमें सिर्फ एक स्कीमा मास्टर है, वो 01 के पास है, बाकी चारों के चारों 02 के पास है। तो कल हमारा स्कीमा नहीं हो रहा था मूव, पहले हमने कल 02 से ट्राई किया था, आज 01 से ट्राई करके देखते हैं। पहले मैं इसकी आईपी सेटिंग देख लेता हूँ। अच्छा, हमें इसमें सेकेंडरी डीएनएस भी डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी डीएनएस है, सिर्फ एक ही डीएनएस है, दूसरा नहीं डाला हमने। हमारा प्राइमरी डीएनएस है DC02, तो उसको पिंग करके देखो। प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी उसका है 112। तो हम इसके आईपी की सेटिंग में सेकेंडरी डीएनएस भी डाल देते हैं। क्योंकि बाई चांस हमारा अगर जिस जो 111 है अगर वो डाउन हो गया, तो जो क्लाइंट है वो 112 से अपना क्वेरी रिजॉल्व करा लेंगे, नेम टू आईपी, आईपी टू नेम। इसलिए एक डीएनएस जवाब नहीं देगा तो दूसरा दे देगा, इसलिए दो रहते हैं यहाँ पे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो अभी हम ट्राई करते हैं। कौन बताएगा कैसे कैसे करने हैं हमें रोल? कौन बताएगा स्कीमा मास्टर ट्रांसफर करना है? कोई बता सकता है? कोई बताएगा क्या क्या कमांड्स है? किसी ने प्रैक्टिकल नहीं किया, दोबारा बता देता हूं। अच्छा, NTDS यूटिल, उसके बाद रोल्स, उसके बाद कनेक्शंस, उसके बाद कनेक्ट टू सर्वर। जिस सर्वर पे मूव करने हैं हमें, करने हैं HCL DC02 पे।
अभी कनेक्ट हो गया, उसके बाद क्यू एंटर, उसके बाद ट्रांसफर स्कीमा मास्टर, ये पूछेगा कि करना ट्रांसफर, यस। इसमें एरर आ रहा, देखो कोई अब भी आ रहा है। डिपेंडिंग, तो हमने क्या किया है, मॉडिफाई एलडेप एक्सटेंडेड एरर मैसेज, अच्छा ये कह रहा है द रिक्वेस्टेड एफ एस एम ओ ऑपरेशन फेल्ड, द करंट एफ एस एम ओ होल्डर कुड नॉट बी कॉन्टेक्टेड, मतलब जिसके पास अभी एफ एस एम ओ रोल है उससे कनेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो मैं देखता हूँ DC02 में आईपी सेटिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा इसमें डीएनएस है नहीं, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें भी दो डीएनएस डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये कौन सा 2 है, तो यहाँ पे 12 होगा, ये यहाँ पे 11 होगा, 192.168.1.111। अब करते हैं हम ट्राई, इवेंट्स में देखते हैं कुछ इवेंट अगर मिलता है तो, क्योंकि एरर आएगा तो वो दिखाएगा कि क्यों नहीं हो रहा ट्रांसफर।
तो मैं यहां से करके देखता हूं अगर। इसमें टू का दिखा नहीं रहा है। अगर टू से ट्राई करें तो नहीं, टू से मैंने कर लिया ट्राई। चलो मैं टू से कर लेता हूँ। एमएम खोलने के बाद यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप, ऐड मूव स्नैपिन, और यहाँ पे देखो आपको दिख जाएगा एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा, ऐड करो, ओके करो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका। उस पर राइट क्लिक करके देख सकते हो, यहाँ पे वन ही आ रहा है, दो को दिखा नहीं रहा है। तो पता नहीं दो को क्यों नहीं दिखा रहा है स्कीमा में। चलो मैं सीज करके देखता हूँ, एक सीज का ऑप्शन भी है, उसके लिए मुझे टू पे जाना पड़ेगा, तो मैं टू से ही करता हूँ। देखो सीज क्या होता है, सीज सीज जब होता है रोल, जब एक डोमेन कंट्रोलर जिस पे सारे रोल चल रहे होते हैं, जब वो डोमेन कंट्रोलर डाउन हो जाता है, क्रैश हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, या वो पावर ऑफ कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ट्रांसफर तो होगा नहीं, तो उस केस में हमें सीज करने पड़ेंगे। तो सारा प्रोसीजर वही है, क्या है, सबसे पहले वही NTDS यूटिल रोल्स कनेक्शंस कनेक्ट टू सर्वर जिस पे करना है उसका नाम क्यू, एंटर SEIZ सीज स्कीमा मास्टर। अभी कह रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू सीज दिस वन, यस। तो देखता हूं मैं, ये अभी भी फेल दिखा रहा है। हो गया, ये टू पे हमने फोर्सफुली ले लिया इसको, ठीक है। तो अब इसमें सारे रोल टू पे आ गए हैं, देखो स्कीमा मास्टर भी टू पे है, ये भी टू 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 टू। तो सीज हम तभी करते हैं जब ट्रांसफर नहीं हो रहा हो सक्सेसफुली, कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन इसमें ना ट्रांसफर हो जाना चाहिए था क्योंकि दोनों ऑन थे। तो अब मैं ना एक एक करके इनको वापस कोशिश करूंगा वन पे ट्रांसफर करने की। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट टू सर्वर, एक सर्वर डाउन करके अब जीरो से करेंगे भैया। जैसे आपने एक में सीज किया और सब में ट्रांसफर कर दिया था, तो क्या सबके लिए ही वो डेड हो गया, वो सर्वर है जो? चार चार तो हमने ट्रांसफर कर लिए थे, एक में प्रॉब्लम आ रही थी तो हमने वो सीज कर दिया। तो सीज हम जब करते हैं जब जिस सर्वर पे रोल चल रहा होता वो उससे कांटेक्ट नहीं होता। हाँ जी, तो लेकिन अब आपने चार में ट्रांसफर किया और एक में सीज किया, तो फिर क्या वो डेडी हो गया या तो सबके लिए ही, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि सबके लिए ही वो सेम चीज हो गई, या फिर एक के लिए सीज करना पड़ेगा और दूसरों के लिए ट्रांसफर? ऐसा कुछ नहीं है। अब वो तो मैंने रोल उससे रोल छीन लिया एक जबरदस्ती, जब उसने ट्रांसफर नहीं किया, तो ट्रांसफर का मतलब होता है उससे मैं प्यार से कह रहा हूँ। हाँ, डेडी हो गया वो डेड, अब वो चाहे डेड हुआ ना हो या ना हुआ हो, अब मैंने डिक्लेयर कर दिया कि ये रोल मेरे पास रहेगा, उसके पास बेशक हो या ना हो, अब मेरा रोल चलेगा, मैं बन गया अब इस रोल का मालिक, ठीक है। वो आराम से दे नहीं रहा था, उसको दे क्यों नहीं रहा था, या तो वो डाउन हो गया, या मेरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ गई, जो भी प्रॉब्लम आ गई, वो मुझे रोल दे नहीं रहा था एक रोल। तो मैंने उसे अब जबरदस्ती में मैंने वो रोल ले लिया अपने ऊपर, ठीक है। अब चाहे वो डेड हो या ना हो, लेकिन अब सारे रोल बाकी रोलों के लिए, बाकी रोल तो मैंने ट्रांसफर कर लिए थे ना सारे, तो अब सारे रोल मेरे पास ही है, HLDC 02 के पास है सारे रोल।
तो जीरो तो अगर हम चाहे ट्रांसफर करें चाहे सीज करें तो सेम थिंग है। सेम ही चीज है, लेकिन सीज हम जब करते हैं जब ट्रांसफर नहीं हो रहा हो, जब वो डेड, हाँ डेड मान लेते हैं उसको। जब उसको डेड मान लेते हैं। तो हमने उसको डेड मान लिया क्योंकि कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी। अब मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि ट्रबल शूट करूं मैं, क्यों आ रही है, अदरवाइज ट्रबल शूट कर सकते हैं। लेकिन जब रियल सिचुएशन आती है ऑफिस वगैरह में, एक डोमेन कंट्रोलर डाउन हो जाता है तो कोई नहीं करता ट्रबल शूटिंग। सबसे पहले उनका काम होता है किसी तरह से सर्विसेज को अप करना, कि किसी तरह से सारे रोल ट्रांसफर कर लो दूसरे पे ताकि लोगों का काम चले। क्योंकि अगर ये रोल सपोज करो अभी ये रोल HCLDC02 पे है और HCLDC02 क्रैश हो गया मेरा सर्वर, तो मेरे लोग ना तो लॉग इन कर पाएंगे सिस्टम पे, ना अपना पासवर्ड चेंज कर पाएंगे, ना उनको टाइम का पता चलेगा, ना डोमेन का, कुछ भी नहीं चलेगा डोमेन में। और ऑफिस में सारा काम तभी चलता है जब डोमेन चलता रहता है, डोमेन कंट्रोलर, तो सबके सारे काम रुक जाएंगे। तो इसलिए मेरी प्रायोरिटी उस टाइम पे ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी करके मैं सारी सर्विसेज को अप कर दूं। तो अप करने के लिए मैं ये ट्रबल शूट नहीं करूंगा कि पहले उसको देखूं क्या प्रॉब्लम हुई है फिर ट्रांसफर करूं, नहीं, मैं फटाफट सीज कर दूंगा रोल। ठीक है, तो अभी हम उनको वापस करते हैं वन पे। तो अभी सारे रोल टू पे आ गए हैं, देखो यहाँ पे टू 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 सारे टू पे आ गए। तो अभी मैं क्या करूंगा, अब मैं अभी हमारा HCLDC01 अगर अभी डाउन भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उसके पास कोई भी रोल नहीं है, कोई भी। ठीक है, तो उसके पास अब कोई रोल नहीं रहा है, तो अगर अब वो डाउन भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, अब वो हमारा एक हेल्पर की तरह है जिसके पास फिलहाल कोई भी रोल नहीं है। लेकिन अभी भी अगर आप उसमें यूजर क्रिएट करोगे तो यूजर क्रिएट भी हो जाएगा, वहां से पासवर्ड चेंज करोगे तो पासवर्ड चेंज भी हो जाएगा, नॉर्मल सारे काम होते रहेंगे। तो अब मुझे वापस करने हैं सारे, तो फिर मैं वही जाऊंगा NTDS util रोल्स कनेक्शंस कनेक्ट टू सर्वर, सॉरी कनेक्ट टू सर्वर, सर्वर का नेम HCLDC01। अब हम 01 पे करने वाले ट्रांसफर, कनेक्ट हो गया, क्यों किया ट्रांसफर, एसक्यू क्यों कर दिया? लेकिन क्यू से क्यूट करना पड़ता है, ट्रांसफर करने से पहले क्यू कमांड डालनी पड़ती है, मेंटेनेंस से बाहर आओ पहले फिर ट्रांसफर करो। RID मास्टर वगैरह करना, HLDC पे करना चाहते हो? यस, यहाँ पे स्कीमा करके देखूँ। तो ये आ गया, एक रोल हमारा हो गया ट्रांसफर। तो मैं अभी क्या करता हूँ, साथ साथ यहाँ पर देखता भी रहता हूँ मैं कंफर्म करने के लिए। देखो ये रहा RID मास्टर हमारा वन पे आ गया, ये रहा हमने RID मास्टर वन पे किया था तो ये वन पे आ गया है। अब ऐसे ही हम RID मास्टर की जगह लिख देंगे डोमेन नेमिंग मास्टर, ये सिंटेक्स गलत है, तो ये सिंटेक्स होगा मेरे ख्याल से शायद डोमेन नेमिंग, ये भी नहीं है। मैं सिंटेक्स देख लेता हूँ, सिंटेक्स क्या, कमांड डोमेन नेमिंग मास्टर, ट्रांसफर डोमेन नेमिंग मास्टर,
सिंटैक्स गलत बता रहा है। डोमेन नेमिंग मास्टर है तो सही है इसे। वहां से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते कमांड लाइन से? देखता हूँ। देखो डोमेन का डी कैपिटल है, एन और एन स्मॉल है, लेकिन हम डोमेन का डी कैपिटल है, नेमिंग का एन स्मॉल है। कोई नहीं, रुको मैं अभी एक और देखता हूँ। चलो मैं दोबारा से कनेक्शन करता हूँ। एनटीडीएस यूटिल रोल्स कनेक्शंस कनेक्ट टू सर्वर HLDC01 ट्रांसफर डोमेन नेमिंग मास्टर। डोमेन नेमिंग मास्टर डोमेन नेमिंग सिंटैक्स तो मेरा गलत नहीं है। चलो दूसरे करके देखता हूं। ट्रांसफर पीडीसी, यस पीडीसी हो गया। अब मैं दोबारा चलाता हूं नेट डॉम क्वेरी। ठीक है पीडीसी भी आ गया इस पे, देखो दो आ गए ये पीडीसी और आरआईडी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर करता हूं मैं। ट्रांसफर इंफ्रा TRUCTURE स्ट्रक्चर मास्टर, यस। अब यहां चला कर देखो। ठीक है मेरे तीन आ गए। ये देखो तीन आ गए यहाँ पे। अब डोमेन नेमिंग और स्कीमा रह गए दो, तो मैं पहले स्कीमा करके देख लेता हूं एक बार। स्कीमा मास्टर स्कीमा आ गया, बड़े आराम से आ गए इस बार। तो अब मेरा सिर्फ एक रह गया डोमेन नेमिंग मास्टर। नहीं गुई से हो जाएगा, लेकिन मैं इसी से देखता हूँ। हाँ हो सकता है। डोमेन नेमिंग मास्टर वो मैंने ट्राई कर लिया डोमेन नेमिंग मास्टर, तो देखता हूँ हो सकता है कुछ कुछ और सिंटैक्स सही नहीं है। डोमेन मास्टर से भी हो जाता है। डोमेन मास्टर ट्राई कर लिया, डोमेन मास्टर से भी नहीं हो रहा। ट्रांसफर डोमेन
मास्टर इस साइड को कॉपी कर लेते हैं नेट डाउन की क्वेरी से डोमेन नेमिंग अरे इसमें हर बार आती है इसकी सिंटेक्स में हमेशा प्रॉब्लम आती है तो मुझे आज कंफर्म करने दो ये क्या है इसका सिंटेक्स ट्रांसफर मास्टर रोल्स नहीं मुझे जीवाई से नहीं करना मुझे इससे करना है कमांड प्रॉम्प्ट से ये रहा ट्रांसफर स्कीमा आरआईडी नेमिंग मास्टर अच्छा इसके लिए आएगा ट्रांसफर नेमिंग मास्टर डोमेन की जरूरत नहीं है देखो तो अब मैं दोबारा कमांड चलाऊंगा यहाँ पे अब मेरे सारे रोल 01 पे दोबारा से आ गए तो ये होता है रोल को ट्रांसफर करना और सीज करना मैंने आपको बताई दिया सीज करने का मतलब है जिस सर्वर पे रोल अभी चल रहे हैं वो डाउन हो जाए क्रैश हो जाए तो सीज किए जाते हैं सारे रोल तो ट्रांसफर की जगह सिर्फ सीज यूज करेंगे बाकी सारी कमांड एज इट इज रहेगी तो अब आप ये सोचोगे कि सीज कर अब किसी का कोई क्वेश्चन है अभी इसमें क्यों करते हैं सीज क्या काम है सीज में रोल ट्रांसफर में क्या डिफरेंस है कोई क्वेश्चन है किसी का या आगे चले ठीक अच्छा मुझे एक एग्जांपल दो अब मेरे पास दो डोमेन कंट्रोलर है HCLDC01 एक है HCLDC02 अब क्या है मेरे पास दो रिक्वेस्ट है क्रिएट यूजर टेस्ट वन और एक है डिलीट यूजर टेस्ट वन तो HCLDC तो दिल्ली में HCLDC01 दिल्ली में HCLDC02 यूएस में है अब दिल्ली वाला दिल्ली से जो इंजीनियर है वो लॉगिन करता है और आईडी क्रिएट कर देता है और उसी टाइम पे जो HCLDC02 यूएस का है वो एकदम से खोलता है उसी टाइम पे और तुरंत उसको डिलीट कर देता है तो अब अगर मेरे पास एक और डोमेन कंट्रोलर है HCLDC03 तो ये बताओ वो यूजर रहेगा या डिलीट हो जाएगा बताओ कोई कैसे सारे क्योंकि सारे सिंक होते हैं ना डीसी सिंक का मतलब रेप्लिकेशन होता है आपस में है ना हाँ और रेप्लिकेशन का एक इंटरवल होता है 10 सेकंड बाद या तो 1 मिनट बाद या 2 मिनट बाद तो वो हम स्कीमा में डिफाइन कर सकते हैं इंटरवल तो अगर वो बहुत दूर है यूएस में तो हो सकता है यूएस वाले का इंटरवल हमने 5 मिनट रखा हो तो 5 मिनट तक उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी नहीं तो फिर कैसे डिसाइड होगा कि सबसे ज्यादा अपडेटेड कॉपी किसके पास है ये भी तो प्रॉब्लम आएगी ना फिर है ना कि किसके पास अपडेटेड कॉपी है अब जितने भी डोमेन कंट्रोलर हैं सबके पास जो डोमेन कंट्रोलर की इंफॉर्मेशन होती है सबकी एक एक कॉपी रहती है सबके पास क्योंकि कोई यूजर क्रिएट करेगा तो सब में दिखेगा वो यूजर कोई डिलीट करेगा सब में से डिलीट हो जाएगा अब ये बताओ सबसे ज्यादा अपडेटेड कॉपी किसकी मानी जाएगी कि भाई मेरी लेटेस्ट कॉपी है कोई बताएगा
नहीं देखो उसमें क्या होता है, ध्यान से समझना, ये बहुत ही, ये एक तरह से बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं इसको, और इससे पता चलता है कि किसी को एक्सपीरियंस है या नहीं है। देखो वो ये पूछेंगे कि कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से डोमेन कंट्रोलर के पास अपडेटेड कॉपी है। अपडेटेड कॉपी मतलब एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस की, डेटाबेस मतलब जैसे यूजर डिलीट है हुआ या क्रिएट हुआ या उसकी परमिशन चेंज कर दिए या ग्रुप में ऐड कर दिया या डिलीट कर दिया है, कंप्यूटर डिलीट किया है, ऐड किया है, कंप्यूटर को मूव कर दिया इस ओयू से उस ओयू में, कोई भी चेंज किया है डोमेन कंट्रोलर पे, तो अब कौन से के अपडेटेड मानी जाएगी। अब तो मैंने एग्जांपल दिया, मेरे पास दो डोमेन कंट्रोलर है HLDC 01 और 02, लेकिन जब आप रियल एनवायरमेंट में जाओगे तो बहुत सारे डोमेन कंट्रोलर होंगे, 10 10 20 20, 10 US में, 10 पेरिस में, 10 अफ्रीका में, 10 इंडिया में, तो उस टाइम पे कैसे डिसाइड होगा कि सबसे अपडेटेड कॉपी किसकी है। तो वो कैलकुलेशन होती है यूएसएन के हिसाब से,